कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि उसे हर दिन हमारी फैमिली बड़ी होते जा रही है, और ये सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम इतने लिए ग्रो नहीं कर सकते। तो आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं मुद्दे की बात। आज फिर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं। प्राइम लोकेशन है, बाईपास आएगा इसका लोकेशन। बाईपास से बिल्कुल अंदर नहीं है, मेन बाईपास पर रहेगी। 900 स्क्वायर फीट का इसका प्लॉट साइज है। अगर डायमेंशन की बात करें तो 1560 का इसका डायमेंशन है। ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है। पहले करते हैं पूरी प्रॉपर्टी विजिट, समझते हैं क्या इसका सारा डायमेंशन है, कहाँ लोकेशन आएगी, क्या प्राइस रेंज में आएगा, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो पहले प्रॉपर्टी विजिट करते हैं, फिर करेंगे लास्ट में सारी बातें। आइए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी का जो फ्रंट एलिवेशन होता है वो डिसाइड करता है कि आपका घर कैसा होगा। एक बार इसका एलिवेशन का लुक लीजिए, मेरे ख्याल तक आपको बड़ा पसंद आने वाला है। करते हैं अब सामने की बात। दो गेट में हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, एक बड़ा गेट है, एक छोटा गेट है। बड़ा गेट बट ऑब्वियस सी बात है आपकी कार पार्किंग के लिए है, सेकेंड गेट आपके रेगुलर बाहर आने जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दो छोटे लैंप आपको गेट साइड दिए हुए हैं जो आपकी रोशनी को बना के रखेंगे। आइए अंदर, अंदर आके देखते हैं। तो ये जो रहेगी आपकी पार्किंग रहेगी, कार पार्किंग रहेगी, इजीली आपकी एक सेडान हैचबैक कार इजीली आराम से आ जाएगी। ये दो आपके जो गेट हैं ये पूरे खुल जाएंगे, इजीली आप गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हैं, बहुत इजीली। हमें इसमें मिलेगा, यहाँ पर हमारा एक साइड हमें बोरिंग मिलेगी और एक साइड हमें हमारा 6000 लीटर का वाटर टैंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अंदर तरफ। अंदर चलने के लिए हमें दो स्टेयर्स दी हुई है, दो स्टेयर अप होकर हमें अंदर चलना है। अगर मेरे इस तरफ आप बात करें तो एक्रेलिक पे CNC की कटिंग करके डिज़ाइन दिया हुआ है जो काफ़ी एनहेंस करता है लुक को। देख रहे हो आप प्रीमियम क्या चीज़ होती है, वो यहीं से पता चल जाता है। 3.5 फिट का गेट है हमारा, 8 फिट की हाइट है। ईजिली आप अपने घर का सामान, जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन जब होता है, जब हम घर में शिफ्ट करते हैं, ईजिली आप अंदर बाहर कर सकते हैं। गेट पूरा और वुड में है। गेट की अगर आप चौड़ाई देखोगे और गेट की स्टाइलिंग देखोगे, काफ़ी अच्छी की और काफ़ी मजबूत गेट है। अब हम चलते हैं हमारे अंदर। ये रहेगा हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम काफ़ी लोग बोलते हैं लिविंग रूम का साइज़ बताया करो, मैं लिविंग रूम का आपको साइज़ बता रहा हूँ, 10x14 का इसका साइज रहेगा लिविंग रूम का। आपके आप देख सकते हो पूरा लिविंग रूम आपका काफ़ी बड़ा है। अगर ऐसे देखें तो हमें इस लिविंग रूम में डबल हाइट मिलेगी। ऊपर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा काम किया है जो वॉलपेपर का है, प्लस POP की हुई है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो डबल हाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपका ऊपर शेंडलर दिया है जो एक रिच और प्रीमियम लुक को दिखाता है। अगर हम जो बाहर से बात कर रहे थे बड़े विंडो की कि हमारा बड़ा विंडो कहाँ है, वो बड़ा विंडो आपका ये है। अगर आप इसका ब्लाइंड्स देखोगे तो ब्लाइंड्स भी इसके आपके वुड से मैच में दिए हैं। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये जो ब्लाइंड्स हैं आपके इससे मैच में है। अब अगर हम इसको पूरा खोल देंगे तो जो लुक आएगा वो लुक देखने लायक बनता है। मैं आपको वो लुक दिखाता हूँ अब, कि उसे कोई भी घर हो उसमें उजाले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा वेंटिलेशन बना हुआ है। अगर बात करें तो सिर्फ ग्लास नहीं है, ग्लास का हमें सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरा लोहे की पूरी रेलिंग दी हुई है, कोटेड करी हुई, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा लिविंग रूम कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। देखिए अभी सब जगह आपको पता है एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा, ओपन किचन। बट ओपन किचन अच्छा भी लगता है और कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें आपके पास, आप इसे ओपन भी रख सकते हो और अगर आप यहाँ से चाहें तो कुछ पार्टीशन भी इसमें लगा सकते हो जो आपका किचन क्लोज भी हो जाएगा। और अगर पूरे नहीं लगाने तो वुडन पार्टीशन आप डाल दोगे तो बनी सी बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत अच्छा ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, प्लस हमारे मॉड्यूलर किचन कम्प्लीट है। पूरा मॉड्यूलर आपका कम्प्लीट है, प्लस आपकी प्रोफाइल सारी कंप्लीट है, हाइड्रोलिक्स आपके दिए हुए हैं। सेम आपका सिंक इधर आ जाएगा। फिटिंग्स अभी होना बाकी है, एज पर क्लाइंट के अकॉर्डिंग फिटिंग्स कर दी जाएगी। ये आपके सामने फिर प्रोफाइल आ गए, और ये जो है ये आपका ड्राई प्लेटफॉर्म है। ड्राई प्लेटफॉर्म लाइक वो आपका, आपको मिक्सी रखना है, माइक्रोवेव रखना है, ये उसके लिए रहेगा। इसमें भी आपका नीचे स्टोरेज वगैरह दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं हमारे वॉश एरिया की तरफ। वॉश एरिया का गेट भी आप देखोगे तो पूरा वुड में अच्छे से प्लान किया हुआ है।
उसके बाद ही हमारा वॉश एरिया, और काफ़ी सफिशियंट साइज़ ऑफ वॉश एरिया में। सेम आपका डबल हाइटेड आपका डक्ट रहेगा ये, जो आपको वेंटिलेशन प्रॉपर प्रोवाइड करता रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और बेडरूम से ही लगा हुआ वॉशरूम है। मैं हमेशा हमारे मेरे हर वीडियो में लोग कहते हैं कि ये जो पोर्शन होता है ये काफ़ी अच्छा लगता है, एक आपको सेपरेट और प्राइवेसी टाइप का फील कराता है। ये आपका वॉशरूम रहेगा। माफ़ी चाहूँगा लाइट अभी इसमें नहीं लगी है, बट फिटिंग्स सारे प्रीमियम आएंगे इसमें, सारे प्रीमियम फिटिंग रहेंगे। टाइल भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगी हुई है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में, जो कि हमारे वॉशरूम से लगा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ काफ़ी सफिशियंट है, इवन काफ़ी बड़ा है। इस वॉल पे अगर हम देखेंगे तो हमें वॉलपेपर मिल जाता है जो काफ़ी लाइट कलर में लगा है, जो इस घर के शेड को बढ़ा रहा है। प्लस अगर आप देखो तो पूरा चौकोर में पूरा साइज़ है। आप आराम से अपना बेड प्लान करने के बाद इस वाले वॉल पे वार्डरोब्स प्लान कर सकते हो। वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए मैं इस तरफ विंडो दिया हुआ है, जो कि हमेशा रहता है 3 स्लाइडिंग में, 2 ग्लास, 1 आपका नेट, इजीली आपको सेफ रहेगा। ऊपर अगर हम देखें POP फॉल सीलिंग मिल जाती, वार्म लाइट उसमें लगी हुई है। प्लस अगर इधर देखें तो पूरी प्रोफाइल लाइट से इसको कवर किया हुआ है, जो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई अगर आप वो नहीं जलाना तो आप ये जला सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। इस वाले के नीचे आप अपना पूरा स्टोर बना सकते हो। फर्नीचर से जो बनेगा, जो कवर होगा, तो आपका स्टोर इसके नीचे आ जाएगा, तो स्टोर की एक समस्या आपकी ख़त्म हो गई है। बहुत से बार लोगों का फ़ोन आता है कि यार हमें कुछ ऐसा घर दिखाओ जिसमें स्टेयर्स बाहर से हो, और अगर बाहर से ना हो तो बीच घर से भी ना हो, थोड़ा सा मेन गेट के पास में हो। ये आपका मेन गेट है मेरे लेफ्ट पे, और यहाँ से अगर आप चाहें तो ये सीधा आपका ऊपर रास्ता जाता है। अगर कोई ऐसा हो जो बट एक फैमिली में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, जिन्हें ऊपर नीचे यूज़ करना है रेंट पर्पज से भी लेना, तो वो कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी काफ़ी लेविश है, ऐसा कोई करता नहीं है। चलते हैं ऊपर। ग्रेनाइट आप देख रहे हो, पूरा ग्रेनाइट का काम किया हुआ है, प्लस टफन ग्लास इसमें लगाया हुआ है। SS की रेलिंग्स रहेगी। आते हैं ऊपर। देखिए जितने बड़े घर होते हैं ना, उतनी बैठक की व्यवस्था भी ज़्यादा हो जाती है, बट सब अपने अपने बेडरूम से ले लेते हैं, फिर इकट्ठे बैठेगा लिविंग रूम में, कोई आ गया कहाँ बैठे। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप अपनी फैमिली का सेटआउट बहुत ईजिली कर सकते हो। काफ़ी बड़ा पोर्शन है, छोटा नहीं है। आप आराम से एल शेप में अपना सोफ़ा लगा सकते हो, टेबल रख सकते हो, अच्छा खासा सेटआउट आपका ये बन सकता है। प्लस अगर आप ऊपर देखोगे तो टिक वुड में ऊपर वुडन का काम किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइज काफ़ी बड़ा है, ईजिली आप फैमिली सेटआउट कर सकते हो। और अगर बात करेंगे भाई हमारा व्यू क्या आएगा, व्यू देख सकते हो आप, शैंडलर का व्यू है सारा, इतना अच्छा लगता है देखने में, खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है, कितना प्रीमियम चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर का हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो हमारे इस तरफ आएगा। चलते हैं अंदर। देखिए गेट्स हो गया, हर चीज़ जो है एकदम प्रीमियम यूज़ की हुई है। गेट आपके वुड के, और आपका वुड टच दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइल आपके डिजिटल टाइल है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। अंदर आते से ही हमारे इस तरफ जो आएगा आपका वॉशरूम आएगा। वॉशरूम में फिटिंग्स नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, फिटिंग्स अभी लगना बाकी है। फिर अंदर आते हैं। काफ़ी इस बेडरूम के अंदर देखें तो काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी सफिशियंट साइज़ है। अगर हम बात करें हमारे इस वॉल की, तो इस पर वॉलपेपर दिया हुआ है, जैसा नीचे मैंने आपको बताया था सेम वैसा वॉलपेपर इसमें दिया हुआ है। नीचे का भी एक लाइट शेड था जो मिलता था, और इसका भी एक हल्का सा डार्क शेड दिया हुआ है, जो रूम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लस इसी साइड हमारा एक वेंटिलेशन दिया हुआ है, जो आपका ऊपर डक्ट से कनेक्ट रहेगा, तो आपका वेंटिलेशन प्रॉपर बना के रखेगा। हवा भी ज़रूरी है और उजाला भी ज़रूरी है। सेम एज इट इज़ 3 स्लाइडिंग डोर रहेंगे, 2 ग्लास, 1 आपका नेट रहेगा। अगर हम ऊपर देखें तो फॉल सीलिंग जो है काफ़ी डिसेंट की हुई है, 2 तरफ में पैनलिंग की हुई है आपके POP से, और इस तरफ हमें पूरी प्रोफाइल लाइट दी हुई है। वार्म कलर बहुत अच्छा लगता है, जब रात में जलता है तो बड़ा अच्छा फील देता है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा हो गया, कि जब कोई हमेशा एक ऐसी चीज़ फील कराता है कि आप किसी प्रीमियम चीज़ को यूज़ कर रहे हो। अगर आप ये 2 स्टेप चढ़ के जाते हो तो आपको लगता है कि आप किसी बंगलो में जा रहे हो, आप किसी बंगलो को यूज़ कर रहे हो। सेम आपको वैसा फील ये कराएगा।
आ चुके हैं हम बेडरूम के अंदर। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा इस वाले पूरे विला का। अगर अंदर आके देखें तो इस तरफ हमारा एक वॉलपेपर लगा हुआ है, पूरी वॉल कवर नहीं की हुई है, सिर्फ उतना वॉल है जितने में आपका बेड आएगा। दोनों तरफ को स्विचेस दिए हैं, इस तरफ आपका बेड आ जाएगा, उस तरफ आपके वार्डरोब्स आएंगे। करते हैं बेडरूम की बात। डिसेंट सा छोटा सा वॉलपेपर लगाया हुआ है कि दिखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि इस रूम की साइज काफ़ी बड़ी है। ये आपका वॉलपेपर है, ये आपके बेड का प्लांट हो जाएगा, इस वॉल पे आपके वार्डरोब सारे आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो रूम काफ़ी बड़ा है, इस तरफ भी आपके पास काफ़ी जगह निकलती है जो आप इसको ईजिली अच्छे से यूज़ कर सकते हो, एक छोटा सोफ़ा भी आप लगा सकते हो। चलते हैं इसके वॉशरूम में। ग्रेनाइट का पूरा यूज़ किया हुआ है। ग्रेनाइट एक बार लगने के बाद आपको कभी बार बार देखना नहीं पड़ता है, फूलने का टेंशन नहीं, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, ग्रेनाइट पे लगी हुई है। प्लस अगर आप वॉशरूम देखो तो काफ़ी बड़ा और सफिशियंट है, तो फिटिंग्स का कोई इशू नहीं, फिटिंग्स अभी लगना बाकी है। साथ में हमें इधर मिल जाएगा हमारा बड़ा सा विंडो वेंटिलेशन के लिए, सेम ग्रेनाइट का काम इस पर भी किया हुआ है, ग्रेनाइट के ऊपर ही उसको प्लांट किया हुआ है। इस फ्रंट रूम के साथ हमेशा एडवांटेज होता है कि उन्हें बालकनी मिल जाती है, तो सेम वही एडवांटेज इस रूम के साथ है, जैसे बालकनी मिली है। प्लस ऊपर अगर आप देखोगे तो पीवीसी का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगर सामने से देखें तो टफन ग्लास प्लस हमें रेलिंग दी हुई है एसएस की, और ऐसे खड़े होकर देखा जाए तो इधर भी हमें एक लाइट दी जो पूरा वुड टाइल लगाकर काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव लग रही है। अब चलते हैं हमारे इसके हम टेरेस पे। सेम एज इट इज काम पूरा कंटिन्यू किया हुआ है, ग्रेनाइट और एसएस की रेलिंग का काम कंटिन्यू किया हुआ है ऊपर तक। घर इतना बड़ा है तो बनी से सामान भी ज़्यादा ही होगा, और सामान ज़्यादा रखने के लिए भी जगह चाहिए। आप इसको एक तरीके से स्टोर में यूज़ कर सकते हो, ये जो जगह है आपके स्टोर में यूज़ आ जाएगी। प्लस आते हैं हम इसके छत पर, इसका टेरेस। इतना बड़ा घर हो और घर में गार्डन नीचे ना हो तो क्या कर सकते, तो इसलिए हमने छत पर इसका गार्डन प्लांट किया। आइए, दो पोर्शन में इसका टेरेस रहेगा। फर्स्ट पोर्शन जो है इसको हमने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है, ऐसा गार्डन तरीके से यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हो उस पर ग्रीन ग्रास लगाई है, आर्टिफिशियल ग्रास है हालांकि ये, आप आराम से अपनी चार चेयर लगा के बैठ सकते हो, शाम की चाय का लुफ्त उठा सकते हो। ये फ्रंट रहेगा अपना, आप चाहें तो इधर ओरिजिनल प्लांटेशन कर सकते हैं, इधर ओरिजिनल आप सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, चाहे आप गमले रख लीजिए या चाहे मिट्टी ला के उसमें लगा लीजिए, इजीली आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट रहेगा। के बाद अगर ऐसे देखा जाए तो ऊपर एक शीट से कवर किया हुआ है कि अगर आप बारिश में भी बैठना चाहो तो आप इजीली आराम से यहाँ बैठ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेंटिलेशन जो हमारा नीचे जो हम देख रहे थे उसे व्हाइट शीट से कवर किया हुआ है कि कोई पानी या कोई भी कचरा डायरेक्ट नीचे ना जा पाए और खुली हवा आपको आए, उसके लिए भी यहाँ पे नेट लगाया हुआ है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ का पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा हुआ है। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं एज अ फैमिली सेटिंग, एज अ फैमिली सेट आउट, या फिर आप किसी भी दूसरी चीज़ में उसको यूज़ ले सकते हो, और आप चाहें तो प्रॉपर उसको आप गार्डन भी बना सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट है आपका ये काफ़ी बड़ा है, इस पार्ट पे आप छोटी मोटी आपके फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो। प्लस अगर वो जो मैं आपको नीचे बता रहा था कि आपका बड़ा सा वेंटिलेशन डक्ट है, वो डक्ट आपका वाइट शीट से पूरा कवर है। प्लस अगर आप देखोगे तो पूरा नेट लगाया है कि मच्छर वगैरह भी आपका नीचे ना जाए। एक छोटा सा टेरेस हमारे पीछे मिल जाता है, देखा जाए तो उस पर आपका वाटर टैंक रहेगा जो 1000 लीटर का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमने भाई प्रॉपर्टी पूरे विजिट कर ली है, अब इसकी लोकेशन क्या आ रही है, इसका प्राइस क्या आ रहा है, कहाँ मिलेगी, किससे मिल सकते हैं, कैसे देखना है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो प्रॉपर्टी आ रही है बेस्ट प्राइस से मुश्किल 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रहेगी, और डिकैथलॉन के जस्ट पास में है। मेरे ख्याल तक आपको डिकैथलॉन का बोर्ड दिख ही रहा होगा यहाँ से। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है। इसका जो डायमेंशन है वो 15x60 का है, जो कि टोटल होता है 900 स्क्वायर फिट। 900 स्क्वायर फिट का प्लॉट साइज़ है। फेसिंग की बात करें तो ईस्ट फेसिंग है। प्रॉपर्टी जैसी आपने देखी एज इट इज़ मिलेगी, जो फिनिशिंग टच करना बाकी है वो सिर्फ बाकी है, वो फिनिशिंग टच होकर आपको मिलेगा। बजट की अगर बात करें तो मान सकते हैं हम 74, 75, 77। देखिए एक्चुअल प्राइस हम इसलिए नहीं बताते कि प्रॉपर्टी के जो प्राइस है वो वेरिएट होते रहते हैं, तो हम एक्चुअल प्राइस कुछ बोल दें आपको और आप बोलो यार आपने तो वो प्राइस बताया था, ऐसा इसलिए नहीं। बट 75 to 77 के बीच में आप मान के चल सकते हैं कि प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो भी छोटे मोटे गुंजाइश रहेगी हम उसकी बात कर सकते हैं। आप
अब सब रहता सबसे मेन सवाल कि हम आप तक पहुँचे कैसे। देखिए, पहुँचने के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे हैं, आप उस नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं। साथ ही साथ में आपको हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, जो आप फिल करेंगे तो हमारी तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा। एकदम से नहीं आएगा, मान सकते हो आप 24 से 48 घंटे के बीच में आपके पास हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, आपके विजिट्स प्लान कर दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हमें यहाँ से सारी एमिनिटीज़ कैसे मिलेगी, आपकी ग्रॉसरी शॉप आपके टाउनशिप के अंदर ही रहेगी। कॉलेज, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो ऑल्टियस कॉलेज यहाँ से दिख जाएगा, मेरे राइट हैंड साइड ही आ रहा है, अगर देख पाएँ आप तो ऑल्टियस कॉलेज दिख जाएगा। हॉस्पिटल्स वगैरह भी यहाँ से पास रहेंगे, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अब करते हैं लास्ट बात कि आप लोगों का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। हमारी जो भी गलतियाँ हो रही हैं आप हमें बताते हैं, हम कमेंट्स हमारे पढ़ते हैं, जिसे हो सकता है उसे रिप्लाई करते हैं, और जो ऐसा लगता है रिप्लाई नहीं कर सकते हैं इस कमेंट का क्या रिप्लाई करते हैं, हम उस पर सुधार करते हैं। तो आप हमें ऐसे कमेंट करते रहिए, प्रॉपर्टी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए आप, और हमारी तरफ से कुछ भी गलतियाँ हो रही हैं तो हमें सिखाइए, कि उसे भी हम सीख रहे हैं और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, लेकिन काम हमारा ख़त्म होगा, आपका नहीं होगा। आपको इसके बाद इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ या फिर उस व्यक्ति के साथ जिसको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। मैं था सर्च माय प्रॉपर्टीज अविनाश जैन, कैमरे के पीछे सीरीज जैन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।